वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वो बाबा के ढाबे का चक्कर पड़ गया वापस से, और बाबा जी ने उस पर केस कर दिया जिस लड़के ने उनके लिए वीडियो बनाई थी। वो लड़का अलग अलग न्यूज़ चैनल पर अपनी सफाइयाँ दे रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने तो मदद करी थी, लेकिन देखो बाबा जी ने मेरे साथ क्या कर दिया। और बाबा जी की भी अब बात करने का टोन, उनके व्यवहार, उनका नज़रिया सब कुछ बदल गया कुछ दिनों के अंदर ही। खैर, मैं बात करूंगा कि असलियत में हुआ क्या है, क्योंकि बाबा जी ने ब्लेम लगाया उस पर। और ये बात बोली बाबा जी ने कि हमने तो उसको बुलाया नहीं था, वो हमारे पास वीडियो बनाने खुद ही आया था। दोस्तों, इस केस के अंदर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्या हुआ होगा जो मुझे लगता है कि जब गौरव ने ये वीडियो बनाई और ये वायरल होगी, पहली बात तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि इस लेवल तक वीडियो वायरल हो जाएगी। उस लेवल तक वीडियो वायरल हो गई और रातों रात वो वीडियो इतनी वायरल हो गई, मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों के अंदर कोई भी वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई होगी। वीडियो वायरल होने के बाद गौरव के पास में काफ़ी सारे कॉल पहुँचे होंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज आए होंगे कि हम बाबा जी की मदद करना चाहते हैं, और काफ़ी सारा फंड भी इकट्ठा हो गया होगा एक दो दिन के अंदर ही। तो दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होता है कि इंसान के ना ईमान के ऊपर सारी बात डिपेंड करती है। भाई गौरव को लगा होगा कि काफ़ी सारा पैसा आ गया है और काफ़ी सारा फंड इकट्ठा हो गया है, तो ये एक इंसानी नेचर है, एक ह्यूमन नेचर है, एक इंसान के अंदर एक ये इस तरीके की बात होती है कि चल थोड़े से पैसे मैं रख लेता हूँ अपने पास में, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा आ गया है। भाई इंसान अपने ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता है कि बाबा जी को तो क्या ज़रूरत है, चल थोड़े से पैसे मैं रख लेता हूँ और मैं भी अपना काम कर लूँगा, मैं इससे ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और बाबा जी को कुछ पैसे देकर जो भी डोनेशन का अमाउंट आया उसमें से कुछ अमाउंट देकर मैं फ्री हो जाऊँगा। बाबा जी के पास कोई ना कोई बंदा गया होगा 100%, उसने बाबा जी को ज्ञान दिया होगा कि बाबा जी आपके नाम पर गौरव के पास में बहुत सारा फंड इकट्ठा हो गया है, तो आप इसकी जांच पड़ताल करो। तो जब जांच पड़ताल की होगी या वैसे कुछ बातचीत करी होगी गौरव से, तो गौरव के पास में एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला होगा बाबा जी को, तो बाबा जी को ऐसा लग रहा है अब कि जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जो ह्यूमन नेचर है, तो बाबा जी को ये लग रहा होगा कि भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया कि मेरे नाम से पैसा आया गौरव के पास में और गौरव ने मुझे सारा पैसा नहीं पहुंचाया। तो ये सारा खेल पैसों से शुरू होता है और पैसों पे ख़त्म हो गया आके। इसमें गौरव का, अगर मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, अगर इसमें गौरव का ये फॉल्ट हो सकता है कि उसने सोचा कि यार चल थोड़े से पैसे मैं अपने पास रख लेता हूँ और बाकी मैं अपना इससे ये काम कर लूँगा, मैं अपनी तरक्की के लिए इसमें पैसे लगा दूँगा, अपने जो बिज़नेस मैं करता हूँ उसको मैं थोड़ा सा ग्रो कर लूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब इंसान को लगता है ना कि कहीं से पैसा आ रहा है, तो उसका मन डगमगा जाता है, उसका मन डोल जाता है और ये लगना शुरू हो जाता है कि यार, इंसान अपने अंदर ही ऐसे ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता है कि यार इतना मैंने उसकी हेल्प कर दी है, तो थोड़ा सा भला अगर मैं खुद अपना कर लूँगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जबकि इसमें बुराई सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने किसी की भलाई के लिए, किसी की मदद के लिए कोई फ़ंड आपने लिया है या किसी से कोई पैसा लिया है, तो आपको 100% अपनी ईमानदारी दिखाकर वो सारा पैसा उसको देना चाहिए। या तो गौरव को ये करना चाहिए था कि उस पैसे की FD करवा देता और या उससे उसको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता या उनके बैंक अकाउंट में सारा पैसा डाल के वो फ्री हो जाता। तो मुझे जहाँ तक थोड़ा सा डाउट ये लगता है कि गौरव ने थोड़ी बहुत पैसों की हेरा फेरी ज़रूर करी है, जिससे आग बबूला होके बाबा जी ने उस पर केस किया है। और ये बात भी पक्की है कि बाबा जी को किसी ने ज्ञान दिए आके कि आपके नाम से गौरव ने बहुत सारा फंड लिया है और वो सारा पैसा आप तक नहीं पहुंचा, तो आप उस पर छोटा सा मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये बात निकलती है, अगर इसमें बाबा जी का फॉल्ट निकलता है, तो क्या होगा कि इंसान जो भारत देश के लोग हैं वो आगे से किसी गरीब की मदद करने के लिए कतराएंगे। और अगर गौरव का फॉल्ट निकलता है, तो जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, जो लोग फंड रेज करते हैं,
उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और लोग उनको पैसा देना बंद कर देंगे। तो दोनों साइड से अगर देखा जाए तो जो आम इंसान है, आप और मेरे जैसा इंसान है, उसी ने एंड ऑफ द डे बेवकूफ़ बनना है। तो मुझे लगता है कि गौरव ने थोड़ी सी हेरा फेरी ज़रूर करी है जिस कारण से इतना बवाल हो गया, जबकि उसको अगर उसने पैसा लिया है तो वो सारा पैसा बाबा जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए था। ये मेरा एक अंदाज़ा है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, हो सकता है कि मैं सही भी हूँ। तो आप अपने बताना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला।